हाँ जी, गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज पीके बैक अगेन विद एन अनदर वीडियो फॉर यू। अब आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे और आप हर दिन एक नई गाड़ी मेरे वीडियो पे देखोगे। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हो, जो गाड़ी फ्रेम में नजर आ रही है, टाटा टियागो, एज नेम सजेस्टेड कि टाटा की गाड़ी है भाई, टाटा टियागो। तो आज इनके ओनर मेरे साथ हैं, ओनर से ये बात जानेंगे कि शुड यू बाय दिस कार इन 2023। वो आपको सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब शेयर कर देंगे आपके साथ। तो सामने फ्रेम में नजर आ गए शुभम सिन्हा। तो शुभम, वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि अब टाइटल और थंबनेल देख के मेरी ऑडियंस समझ गई होगी और वो वीडियो वॉच करेगी कि व्हाई शुड दे बाय दिस कार इन 2023। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि उन्हें क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं क्यों नहीं लेने पे। ठीक है, पॉजिटिव बाद में बात करेंगे हम क्यों नहीं लेने चाहिए। एक तो जो मुझे इसका वो लगता है, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है या फिर क्योंकि स्पेस की कमी है थोड़ी सी इसमें, और दूसरी जो टाटा की एक बहुत कॉमन इशू है वो मोस्टली ऑटोमेटिक वेरिएंट छोड़ के हर गियर सिस्टम के साथ है इनका, कि गियर की इश्यूज रहती है। और जो मुझे फील होता चलाने में, एक तो वो है इनका जो हाइट है, सीट हाइट टू दी रूफ हाइट, वो जैसे कभी लंबे बंदे बैठ जाते हैं, लाइक अगर एक मेरा फ्रेंड है वो एक बार बैठा था जब मैं ऑफिस गया था, तो वो लाइक ही वॉज लाइक 6 feet, तो उनको थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे। तो वो वहाँ पे मैंने फील किया कि हाँ है। और सर्विस की जहाँ तक बात करता हूँ तो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं टाटा वाले, नो डाउट। पर हाँ, जो कॉस्टिंग है मेरे हिसाब से और जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सो इट ऑन एन एवरेज ये आपको 13,000 to 14,000 ईयर जाएगी। या तो आप 10,000 पे कराओ एक साल अगर आपकी ज़्यादा रन नहीं होती है, तो एवरेज कॉस्ट आप लाइक ये रख सकते हो कि 6 months में लाइक आपका 6,000 चला जाता है, इट्स लाइक 6K। ये होगी। बाकी माइलेज वाइलेज बारे में शेयर करना चाहो तो माइलेज की, हाँ माइलेज की मैं करूँगा। जैसे आप इधर सड़क देखो, इधर कितनी अच्छी सड़क है, देखो ग्रेट नोएडा की। हाँ, यहाँ पे भी जबकि मैं अगर नॉर्मली चलाता हूँ फोर्थ गियर में 60 के स्पीड पे भी नॉर्मली चलाता हूँ, तो मुझे माइलेज ये 18 to 17 का एवरेज मिलता है। हाँ, पर अगर इफ़ आई गोज टू यू नो हाईवे तो मुझे 20 का मिलता है इसमें, 20 का। तो माइलेज थोड़ा इशू है। और इस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट बिकॉज ये छोटी है गाड़ी है ना, और इसका नो डाउट एरोडायनामिक्स बहुत अच्छा है, तो थोड़ी ऑडियंस को ज़्यादा वो चाहिए, माइलेज भी चाहिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात करते हैं क्यों लें ये गाड़ी 2023 में, तो बिल्कुल ले जी गाड़ी अगर आपकी छोटी है, अगर आप सिंगल हैंडेड होगा और यू आर ऑफिस गोइंग, या फिर जो लड़कियाँ हैं अगर दे वॉन्ट टू गो फॉर यू नो कॉलेज, उनके लिए सेफ है बिकॉज गाड़ी बहुत स्टेबल है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कंट्रोल बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, एंड ड्यूरेबिलिटी है गाड़ी में, यू नो। तो दैट इज़ सेफर फॉर यंगस्टर्स एज वेल, और जो फैमिलीज हैं उनके लिए भी है, जो मिडिल एज पर्सन जो ऑफिस गोइंग है। हैंडलिंग अच्छी होने की वजह से इट जस्ट यू नो, मैं तो अपने उसको बोलता हूँ ये गाड़ियों की स्कूटी है मेरी, कि जैसे स्कूटी होता है ना, कहीं भी रोल ऑन कर लो कैसे भी कर लो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अब वो फील होती है मुझे इसमें, हैंडलिंग इतनी स्मूथ है, नो डाउट बहुत अच्छी है। तो इसीलिए अगर इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ अ पर्सन जो 4 है और मैक्स टू मैक्स 5 है और ज़्यादा आपको आप उतने में ही सीमित हो, है ना, तो दिस इज़ दी बेस्ट कार। और हाँ, ये है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हो तो इसकी सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, जो मुझे हाईस पे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत लंबा चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपको आपकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक बार सिर्फ 500 किलोमीटर का रन फाइव टू फाइव मारा था, बिल्कुल नहीं रुका, तो वहाँ पे मुझे कंफर्ट मिली थी। हाँ, थोड़ी सी सीट की है तो वो कुशनिंग हम डाल सकते हैं पीछे, और वो आपको ऐसा सपोर्ट मिल जाता है, स्पाइन सपोर्ट मिल जाती है। और एक इशू जो तो है इसका हेडरेस्ट है ना, हेडरेस्ट में आपको वो लगाना पड़ता है, क्योंकि हेडरेस्ट इसकी एडजस्टेबल नहीं होती, वो चीज़ है। और पीछे की सीट भी इट इज़ अनफोल्डेबल, क्योंकि आपको कभी ऐसे ज़्यादा सामान रखना हो या कुछ ऐसा करना हो तो आप फोल्ड नहीं कर सकते बैक सीट। अब बैक सीट को आप लिमिटेड जो इसकी स्पेस है, बूट स्पेस है, उसमें ही करते हैं, जैसे मोस्टली ऑलमोस्ट गाड़ी में होता है, यू कैन यू नो, जैसे उसमें भी आपकी सुजुकी में भी, हमारे बलूनों में भी होती है, तो आप कर सकते हो, इसमें नहीं है वो चीज़। तो ये है, पर हाँ ले सकते हो बेशक, और आपका अगर बजट भी वैसा है तो बजट ये मुझे लगता है आपको आराम से अराउंड 6-6.5 तक आ जाएगी आपके हाथ में, और टॉप मॉडल 7 आ जाएगी। और हाँ, बस सही है, इंफोटेनमेंट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि बस यही कि इंफोटेनमेंट आपको टॉप मॉडल मिलता है, अगर टाटा वाले सारे मॉडल में दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे इजी टू हैंडल होता है चीज़ें, है ना। तो यू नो आई सजेस्ट कि यू शुड बाय दिस कार, ऑब्वियसली। चलो तो भाई, ये थे शुभम सिन्हा, जिन्होंने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और शुड यू बाय दिस कार इन 2023 और नॉट।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल बनाए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।